नमस्कार, मैं हूँ मनोज टिबड़े वाला आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एन शशिधर रेड्डी जी। आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री रह चुके एन शशिधर रेड्डी जी चौथी बार आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए हैं। 61 वर्षीय एन शशिधर रेड्डी जी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत एन चन्ना रेड्डी जी के पुत्र हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे प्रमुख राज्यों के राज्यपाल रह चुके एम चन्ना रेड्डी जी से राजनीति की बारीकियां सीखने वाले एम शशिधर रेड्डी जी से आज हम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के कामकाज के बारे में विस्तार से बात करेंगे। शशिधर जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए के गठन का उद्देश्य क्या है? काफी दिन से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोच रहे थे जो नेशनल लेवल पर हो और आपदा प्रबंधन के सारे मुद्दों को देखने के लिए ऐसे काम करने के लिए सोचा गया था। 2004 में जब सुनामी आई तो उसके बाद, उसके फौरन बाद यूपीए सरकार ने सोचा कि या अभी इसको फौरन बनाया जाए और 2005 में इसका गठन हुआ। और ये पहली बार है कि एक राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन बनी और इसमें आपदा प्रबंधन के सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है जो पहले हम सिर्फ रक्षा और राहत के बारे में ज़्यादा हम ध्यान देते थे। आज समसिद्धता, मिटिगेशन और प्रिवेंशन और ऐसे सभी मुद्दों पर, आखिर में उनके रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने का काम करेंगे। इस प्राधिकरण में कौन कौन है? इस प्राधिकरण को बनाया गया है, एक एक्ट के द्वारा इसको स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष और 8 सदस्य इसमें होंगे। इस समय एनडीएमए में किन किन विषयों पर विशेष तौर पर फोकस कर रहा है? आज हमारे पास ये सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो गाइडलाइंस हमने बनाई हैं उसके आधार पर जो नेशनल लेवल पर प्लान्स बननी है और जो स्टेट लेवल पर भी प्लान्स बननी है, ये काम उतना ठीक नहीं हो रहा है और इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ जो समसिद्धता के अंश हैं, अभी हाल में जो जापान में घटनाएं घटी, भूकंप आया, उसके बाद सुनामी के बाद जो न्यूक्लियर रेडियोलॉजिकल वहां पर इमरजेंसी आई थी, इन सब चीज़ों को भी देखकर विशेष आज हमारे पास फोकस हम न्यूक्लियर सेफ्टी पे भी करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा मैं ये मानता हूँ कि हमारे पास जो बाढ़ आते हैं, तूफान आते हैं, उसके लिए हमारे पास अर्ली वार्निंग कैपेबिलिटी है। लेकिन अगर क्विक ऑनसेट डिजास्टर जैसे कहते हैं कि जैसे भूकंप आता है, जैसे कोई पहले चेतावनी नहीं मिलती, एकदम आ जाता है, तो ऐसे भूकंप अगर आता है हमारे देश के 17 मेट्रोस में 7 मेट्रोस जोन 4 और 5 में है और करीब जोन 4, 5 और 3 को देखा जाता है तो करीब 75 फीसद लोग, पॉपुलेशन अफेक्टेड होंगे। और दिल्ली जैसे महानगर भी जोन 4 में है, तो हमको हिली एरियाज हमारे नॉर्थ ईस्ट के हो या उत्तरांचल, हिमाचल, ये सब काफ़ी वल्नरेबल है। तो इन सब को देखते हुए हम भूकंप अगर आता है तो उससे निपटने के लिए जो समसिद्धता है तो रिस्पॉन्ड, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की भी काम होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काम होता है, सभी मिनिस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस, ये सब चीज़ों का मतलब एक बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी पड़ती है। इन सब चीज़ों को देखकर हम इन पर भी ज़्यादा फोकस करेंगे। अब तक आपने क्या क्या किया है एनडीएमए में? गाइडलाइन बनाई, जो मेन हमारी प्राकृतिक आपदाएं हैं उससे हटकर रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर इमरजेंसीज हो, मेडिकल प्रिपेयरनेस, मास कैजुअल्टी मैनेजमेंट, ऐसे जो क्रॉस कटिंग थीम्स हैं उन सब पर। और हमने
जो एक आज तक कई ऐसे कमेटी बनी, कई उनकी रिकमेंडेशंस आई हैं, मगर कई पीछे हम मुड़कर देखते हैं तो कई ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जिनको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। आज जो एक्ट बनी है, एक्ट के तहत गाइडलाइन बनाने की बात है और इसके आधार पर प्लान्स बनाने की बात है, तो अभी धीरे धीरे ये लोगों के ये विचार बदल रहे हैं। जो पुराना रक्षा और रेस्क्यू रिलीफ, जो राहत और रक्षा की जो तुरंत काम करते हैं कोई आपदा घटती है, तो उससे हटकर जो माइंडसेट अभी लोगों की चेंज हो रही है, तो इसमें स्टेट्स के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बननी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स बननी है, और कई स्टेट्स ये उनको ये काफ़ी मुश्किल का सामना कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई आपदा घटती है तो किस तरह से उनकी रिस्पॉन्स की मैकेनिज्म कैसी हो और मिटिगेशन के प्लान्स कैसे हों, ये सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन आप करते हैं? ये एक्ट के तहत स्टेट में भी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनी है जिसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे और उसमें कुछ मेंबर भी होते हैं, एक उपाध्यक्ष और मेंबर भी होते हैं। इसको फिर जिला स्तर पर भी उनके डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसके डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिला कलेक्टर उसके अध्यक्ष होते हैं, उसके साथ में को चेयरमैन होते हैं जिला परिषद के अध्यक्ष। जो पब्लिक इंटरफेस की जरूरत होती है, वो जो ग्राउंड लेवल पर जो पब्लिक इंटरफेस की बात होती है, तो ये जिला परिषद के अध्यक्ष को उसमें जोड़ने से इसका काफ़ी बड़ा फायदा होगा। और स्टेट्स के साथ, ऐसे तो स्टेट्स अपने तरफ से उनके सब प्लान्स बनानी ज़रूरत है, लेकिन हमने ये सोचा है कि हम गाइडलाइन बनाकर दे देते हैं तो ये काम नहीं हो रहा है। अब हमारा जो अनुभव रहा पिछले कुछ सालों में, तो हाल में जो प्रधानमंत्री जी के साथ में हमारी मीटिंग हुई, तो वहाँ पर इस बात को मैंने कहा और ये भी कहा हूँ कि हम मेंबर्स को स्टेट्स के इंचार्ज बनाएंगे और स्टेट्स से, हालांकि वो स्टेट प्लान बनानी और उसको अप्रूव करने की करने की जिम्मेदारी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पे होती है, लेकिन उनको एक बढ़ावा देने के लिए, उसमें इंटरफेयर करने के लिए नहीं है, लेकिन उनको बढ़ावा देने के लिए, इस सोच बदलने के लिए हम बराबर प्रयास करेंगे। रेड्डी साहब, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के काम करने के तरीके के बारे में कुछ बताइए। हमारा जो गाइडलाइंस बनाने की प्रक्रिया है, इसमें सभी विभागों को एक साथ लाते हैं, जो भी इन्वॉल्व हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, तो कई काम ऐसे हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ठीक नहीं हो रहे हैं। इसको बढ़ाने के लिए हमने काफ़ी हमारा प्रयास रहा और काफ़ी अच्छा रहा। और इसके साथ हम हर किस्म की, मतलब नेशनल लेवल पर हमने मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स का भी काम शुरू किया। एक तो नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट है, अभी फर्स्ट फेज इसका शुरू हो रहा है, करीब 1450 करोड़ का ये प्रोजेक्ट होगा और फर्स्ट फेज में हम आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको लॉन्च करने वाले हैं। आगे चलकर तटवर्ती जो सारे स्टेट्स हैं, कोस्टल स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, इन सब में भी इसको सेकेंड और थर्ड फेज में इसको लागू करेंगे। अभी इसी 1 जून को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी एनडीएमए की विशेष बैठक आयोजित की थी, जिसमें उन्होंने परमाणु आपदा तैयारियों की समीक्षा की थी। किन बातों पर फोकस किया प्रधानमंत्री जी ने? प्रधानमंत्री जी का जो न्यूक्लियर सेफ्टी की बात थी, उससे पहले ही हमने उन्हें जापान में घटने के बाद उन्होंने उसकी रिव्यू किया था और आदेश दिया था कि उसके सारे सेफ्टी मेजर्स को फिर एक बार रिव्यू किया जाए, तो वो तो काम चल रहा है, कमेटी बनी है, उसको कर रहे हैं। हमारे जो संसिद्धता है रिस्पॉन्ड करने की, लोगों में विश्वास बढ़ाना आज ज़रूरी है, क्योंकि आज देश में हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर आगे जा रहे हैं और हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए काफ़ी इसका कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसा हम सोच कर जा रहे हैं। मगर एक साइड, लोगों को जब हम न्यूक्लियर सेफ्टी की बात करते हैं, तो लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी के जो इमेजेस आते हैं, उस गलतफहमी को दूर करना बड़ी एक चुनौती है और जिम्मेदारी है। इसको लेकर
और हम कैसे समझदा के, और अगर कुछ होता है लोगों को ये विश्वास भी दिलाना है कि अगर कुछ होता है तो किस तरह के मेडिकल कैपेबिलिटीज हैं हमारे पास ताकि लोगों के जान की रक्षा हो सकती है और उनको सुरक्षित हम रख सकते हैं। तो ये एक इशू काफ़ी हाईलाइट हुआ था उस मीटिंग में। और जो हमारे मेडिकल प्रिपेयरनेस के बारे में हमने जो प्लान किया था, हमने जो गाइडलाइंस बनाई थी रेडियोलॉजिकल न्यूक्लियर इमरजेंसीज़ की 3.5 साल पहले हमने बनाई, उसका हमने रिव्यू किया। इससे हटके हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक अहम बात पूछी थी कि क्या हम लोगों को विश्वास दिला सकते हैं कि वो जब रात में सोते हैं तो वो चैन से सो सकते हैं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एम शशिधर रेड्डी जी से यह बातचीत जारी रहेगी। सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में हम बात कर रहे हैं एम शशिधर रेड्डी जी से। अभी पूरी दुनिया ने देखा जापान में जिस तरह भूकंप आया, फिर सुनामी आई, उससे वहां के परमाणु संयंत्रों से रेडिएशन रिसाव हुआ, हर कोई सहम सा गया था इस घटना के बाद। भारत के परमाणु संयंत्रों से रेडिएशन का रिसाव न हो, इस तरह की घटना न हो, इसके लिए किस तरह की और अधिक सतर्कता बरती जा रही है इस घटना के बाद? जो भी सुरक्षा के उपाय हैं वो हमेशा रिव्यू किए जा रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के आदेश पर जापान की घटना के बाद भी इसको पहले आगे रिव्यू कर रहे हैं। बियॉन्ड डिजाइंड कैपेसिटी उनकी जो होती है, एक्सीडेंट्स बियॉन्ड डिजाइन कैपेसिटी, इसको भी ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है, और सुरक्षा पर किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, इतना मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ। मैं अभी पिछले हफ्ते तारापुर गया था और वहाँ पर हमारा पुराना सबसे पहला रिएक्टर वहाँ का हमारे फैसिलिटी है, पावर स्टेशन है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी सुरक्षा के उपाय बीच बीच में वहाँ पर काफ़ी सुधार होता गया वहाँ के लोगों ने बताया। और प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अध्यक्ष थे उनसे कहा कि आप क्या लोगों को, हमको विश्वास दिला सकते हैं कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी सेफ हैं? तो डॉक्टर बैनर्जी साहब ने उस मीटिंग में कहा कि मैं बराबर विश्वास दिला सकता हूं। 2001 में जब गुजरात में भूकंप आया तो ककरापारा जो वहां का करीब में हमारा न्यूक्लियर फैसिलिटी था वहां पर ऑटोमेटिक शट ऑफ हुआ और कोई क्षति नहीं पहुंची। 2004 में जब सुनामी आई, कल्पाकम में हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटी है और वहां भी कोई क्षति नहीं पहुंची, हालांकि वहां काम करने वाले 25 लोग, जैसे दूसरे आम लोग अफेक्टेड हुए हैं सुनामी की वजह से, उनकी जान गई, लेकिन न्यूक्लियर फैसिलिटी की वजह से कोई हमारे पास भूकंप और सुनामी में कुछ नुकसान नहीं हुआ। दिसंबर 2004 में जब दक्षिण भारत में सुनामी आई तो इस चक्रवाती तूफान में 10,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इस चक्रवाती तूफान के बाद जो है देश में पहली बार एनडीएमए का गठन हुआ, इनके पुनर्वास में किस तरह के